जो हम बात करने लगे हैं वो है रमज़ान में खुराक का इस्तेमाल। रमज़ान में अमूमन देखा जाता है कि लोग बहुत ज़्यादा मुरगन गज़ाएँ खाते हैं, तली हुई चीज़ें का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, सहरी के टाइम भी और इफ्तार के वक्त भी। इसकी वजह से होता यह है कि उनकी तबीयत में बोझलपन और तकलीफ़, मैदे में जलन पैदा हो जाती है। एक और बात भी बड़ी ज़रूरी है समझने को कि जितनी ज़्यादा हम खुराक अपने जिस्म में डालेंगे, हमारे जिस्म का पानी भी उतना ज़्यादा उसको हज़म करने में इस्तेमाल होगा, जिसकी वजह से पानी की कमी भी हो जाती है। रमज़ान में जो है वो मुतवाज़न खुराक का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है, ख़ासतौर पर सहर के वक्त जहाँ पर अमूमन लोग पराठे और तेल से भरी हुई चीज़ें, तली हुई चीज़ें खाते हैं। उस वक्त पर आप हल्की ग़िज़ा लें, सादा चपाती ले लें, साथ हल्का फुल्का शोरबा ले लें। अंडा खाना अच्छा है, दूध और दही का इस्तेमाल इस मौके पर अच्छा है, पानी जितना पी सकें। सुन्नत तरीक़े को याद रखें कि एक तिहाई पेट का हिस्सा जो है, मैदे का हिस्सा, वो खुराक से, एक तिहाई पानी से और एक तिहाई हवा के लिए छोड़ें। तो ओवर फीड किसी भी वक्त पे नहीं करना चाहिए। इसी तरह इफ्तार के टाइम ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स का इस्तेमाल करना चाहिए, सब्ज़ियों का इस्तेमाल करना चाहिए, तली हुई चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि फौरन जब आप इतनी देर की भूख के वक्फ़े के बाद खुराक और बहुत हैवी खुराक, ज़्यादा कैलोरीज वाली इस्तेमाल कर लेते हैं, तो उसकी वजह से होता ये है कि सारे खून का जो बहाव है वो उस खाने के हाजमे की तरफ हो जाता है और जिस्म के बाकी हिस्सों से खून का बहाव कम हो जाता है, जिससे सुस्ती और लाखरपन इंसान के ऊपर तारी हो जाता है। अगेन, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा रखने के लिए आपको खाना कम खाना होगा ताकि पानी के लिए जगह बचे। पानी कम इस्तेमाल करने से डिहाइड्रेशन भी हो जाती है, जिसका मतलब है कि जिस्म में पानी की कमी। पानी की कमी अकेले कम ही होती है, इसके साथ जो है वो नमकियात की भी कमी हो जाती है और नमकियात की कमी की वजह से ज़्यादा सीरियस मसाइल का शिकार हो सकते हैं। तो पानी और नमकियात दोनों की कमी को दूर करना चाहिए रमज़ान में और कम से कम मुरगन गज़ाओं का इस्तेमाल करना चाहिए। एतदाल शर्त है।